वेलकम बैक टू ब्रांड लाइफ इंडिया। और आज के शो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। जी हाँ, क्लासिक 350 द बेस्ट सेलिंग रॉयल इनफील्ड बाइक, सबसे ज़्यादा बिकती है ये बाइक। 6 महीने का वेटिंग पीरियड तो कहीं गया ही नहीं, हमेशा ही रहता है। वैसे तो ये एक ब्रिटिश कंपनी है और इन्होंने बाइक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी 1901 में। 1901 से पहले ये साइकिल मैन्युफैक्चर करते थे। लाइफ के कई अप्स एंड डाउन इन्होंने देखे और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण इंग्लैंड में इनका ऑफिस बंद हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड, आइसर मोटर ने 1994 में इसे ख़रीद लिया और 2008 में लॉन्च की रॉयल इनफील्ड क्लासिक। क्लासिक 350 को इंडिया में कल्ट स्टेटस मिला, जिसके बाद इसके सेल्स नंबर ग्रो करे रैपिडली और डबल ट्रिपल सेल्स नंबर के साथ कंपनी भी ग्रो करने लग गई। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये 350 सेगमेंट का किंग बन बैठा। कई कंपनियां आई और गई, बट 350 सेगमेंट में कोई भी इसे हिला तक नहीं सकी। इंडिया में इसके कुछ एक राइवल हैं, जैसे कि होंडा CB 350 हाइनेस, जावा स्टैंडर्ड, बिनेली, इम्पीरियल। ये सब बाइक अगर इनके सेल्स नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि रॉयल इनफील्ड को कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि इनकी सेल्स नंबर काफ़ी कम है। बट जब आप इन बाइक्स को चलाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन बाइक्स की राइड्स में कितना कंफर्ट है और रॉयल इनफील्ड की राइड्स में कितना कंफर्ट है। दोनों में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। रॉयल इनफील्ड बुरी तरीके से शेक करती है 100+ जाते ही, जबकि इन बाइक्स में स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें फ्यूचरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं जो कि आज की जनरेशन को कनेक्ट करते हैं। क्लासिक 350 बिकती है अपनी बिल्ड क्वालिटी के दम पे, बट जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उन्हें चाहिए एक कंफर्टेबल राइड, साथ ही साथ उस बाइक में होने चाहिए आज की जनरेशन के फीचर्स जो कि मिसिंग थे रॉयल इनफील्ड क्लासिक में। इन्हीं चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखकर नेक्स्ट जनरेशन रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 को बनाया गया है। ये बाइक ऑफर की जाएगी सिंगल सीट और डुअल सीट में। और अगर स्टाइल अपडेट की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा खूब सारा क्रोम मिलेगा आपको, हैंडल बार, एग्जॉस्ट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स, स्पोक्स, हेडलाइट और मिरर्स पे। इसमें आपको ब्लैक ट्रीटमेंट भी देखने को मिल सकता है, बट उस वेरिएंट का नाम अभी तक रॉयल इनफील्ड ने अनाउंस नहीं किया है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसको मिलेगा रिवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें मिलेगा आपको एनालॉग स्पीडोमीटर, साथ ही साथ डिजिटल डिस्प्ले भी मिलेगी, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा फ्यूल इंडिकेटर, ऑडोमीटर एंड ट्रिपल नेविगेशन, जो कि बोरो किया गया है मीटियोर 350 से। इसमें कोर चेंजेस किए गए हैं इसके मैकेनिज्म में, क्योंकि अब इसको मिलता है न्यू जे प्लेटफॉर्म चेसी। ये चेसी अंडरपिनिंग करती है मीटियोर 350 को। मीटियोर 350 में राइड क्वालिटी एक नंबर है, तो वैसे ही राइड क्वालिटी आपको इस बाइक में भी देखने को मिलेगी। इसमें सेम 350 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि 20 bhp पावर जनरेट करेगा एट 27 nm पीक टॉर्क। बट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है काउंटर बैलेंस शाफ्ट जो कि रिड्यूस करेगा वाइब्रेशन को, ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देगा, जिससे कि अब आपको स्मूथ राइड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके जो न्यू गियर बॉक्स है वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। तो काफ़ी ध्यान दिया है रॉयल इनफील्ड ने एक कंफर्टेबल राइड के ऊपर, और फीचर्स तो इसमें ऐड कर ही दिए हैं, डिजिटल डिस्प्ले भी आ गया है। तो आई गेस अब यंगस्टर्स काफ़ी प्रभावित होंगे इस बाइक से। धीरे धीरे रॉयल इनफील्ड अपनी पूरी प्रोडक्शन लाइनअप को चेंज करने वाला है। वो पूरा कस्टमर फोकस्ड है और मेनली वो फोकस करेंगे यंगस्टर्स पे। सो गाइस, दिस इज़ इट। जो भी इसके लिए अपडेट आएंगी नहीं, मैं आपको देता रहूँगा। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हमारी जो ब्रांड लाइफ इंडिया की फैमिली है वो बड़ी हो रही है। बट आपका ये एक लाइक शेयर, ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू अगेन।